सो विल हे गाइज, वेलकम बैक अगेन ऑन दिस चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम लोग रेवती जो है उसको डिस्कस करेंगे, जो कि फ़कीर मोहन सेनापति के द्वारा लिखा गया काफ़ी एक फेमस जो है स्टोरी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो है इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी कि किस तरह से जो रेवती है वो एक टेल ऑफ फीमेल एडुकेशन एंड इमेंसिपेशन है, मतलब किस तरह से एक फ़ीमेल एडुकेशन की कहानी है जो रेवती है। बट बिफोर डिस्कसिंग द आंसर आई वुड लाइक टू से समथिंग बेसिक फैक्ट रिगार्डिंग दिस स्टोरी। सो ये जो रेवती है स्पेशली एक 10 ईयर्स ओल्ड चाइल्ड की कहानी है जिसका नाम रेवती रहता है, और उसकी फैमिली में उसकी मम्मी पापा ग्रैंड मदर रहते हैं और एक टीचर जिनका नाम वासुदेव रहता है, जिनसे वो पढ़ती है वो रहते हैं। और जो रेवती है उसके पापा का जो नाम रहता है वो क्या रहता है, श्याम बंधु रहता है। तो जो उसके फादर हैं और जो उसके टीचर वासुदेव हैं, और उसी टीचर से आगे चलकर इसकी शादी हो जाती है, जो कि इसकी ग्रैंड मदर शादी करवा देती है। तो जो उसके फादर हैं वो एक मॉडर्न जमाना के हैं, प्लस इसके जो टीचर है वो भी, और या फिर हम उसके हस्बैंड कह सकते हैं, वो भी एक मॉडर्न जमाना के, जो इसके पढ़ाई को सपोर्ट करते हैं। बट जो इसकी ग्रैंड मदर है वो उसकी पढ़ाई को लेकर के बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती है। वो चाहती है कि जो रेवती है वो बस घर की जिम्मेदारियों को और घर के जो भी उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको संभाले, बल्कि ये पढ़े लिखे ना। लेकिन रेवती जो कि 10 ईयर्स ओल्ड गर्ल है, इसको पढ़ने की बहुत ज़्यादा इच्छा होती है, पैशन रहता है, और इसके पापा प्लस इसके जो हस्बैंड रहते हैं वासुदेव, वो इसे काफ़ी सपोर्ट करते हैं। इसके पापा की वजह से ये पहली बार जो है वो गांव के स्कूल में वो पढ़ने जाती है। बट इवेंचुअली क्या होता है, कुछ समय के बाद इसके जो पापा हैं उसकी मृत्यु हो जाती है, फिर धीरे धीरे उसकी मम्मी का भी डेथ हो जाता है, और एट द एंड जो है इसके हस्बैंड वासुदेव या फिर हम इसके टीचर भी बोल सकते हैं, उनकी भी मृत्यु हो जाती है। और लास्ट का जो स्टोरी है, एट द एंड ऑफ द स्टोरी, जो रेवती है वो खुद भी बहुत टॉर्चर की वजह से मर जाती है। और टॉर्चर कौन करता है, इसकी ग्रैंड मदर करती है। वह बोलती है कि तुमने पढ़ाई की, इसी वजह से इन सारी की मृत्यु हुई। जो होता है ना एक सुपरस्टिशन, उनको उसके ग्रैंड मदर को अंधविश्वास हो जाता है कि पढ़ाई की वजह से ही इसके फैमिली में इतना जो है वो प्रॉब्लम जो है उसका सामना करना पड़ा, ऑब्स्टेकल का सामना करना पड़ा। तो यही स्टोरी थी। अब हम लोग देखते हैं किस तरह से एक फीमेल की एडुकेशन के लिए एक संघर्ष की स्टोरी है। सो लेट्स बिगिन। तो जो रेवती है वो एक फर्स्ट और मेजर मॉडर्न यूनिक वर्क है, और ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो ग्रेट राइटर फ़कीर मोहन सेनापति के द्वारा लिखा गया है। और ये जो स्टोरी है उसको 1898 में लिखा गया था, और ये जो स्टोरी है वो एक मेन प्रोटागोनिस्ट जिसका नाम क्या है, रेवती, मैंने पहले ही बता दिया, इसी के इर्द गिर्द घूमती रहती है, जो कि पढ़ने के लिए काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर पैशन रहता है और जुनून रहता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो गर्ल्स है और जो उनका एडुकेशन है वो काफ़ी मोस्ट कंट्रोवर्शियल इश्यूज़ है इंडियन हिस्ट्री का। और आज़ादी के लगभग 75 साल के बीत जाने के बाद भी, जबकि हम लोग अभी 21st सेंचुरी में रह रहे हैं, और जहाँ पे हम लोग बात करते हैं ग्रेट सिटी की, प्लस स्मार्ट सिटीज़ की बात करते हैं, बुलेट ट्रेन्स की बात करते हैं, बट इसके बावजूद भी दूसरी साइड जो गवर्नमेंट है उन लोगों को कैंपिंग चलाने की ज़रूरत पड़ रही है, आंदोलन चलाने की ज़रूरत पड़ रही है, लाइक बेटी पढ़ाओ और देश बढ़ाओ आंदोलन। सो इस टाइप का आंदोलन 21st सेंचुरी में ये दिखाता है कि आज भी इंडिया जो है वो टोटली वुमेंस के जो एडुकेशन है या फिर गर्ल्स का जो एडुकेशन का मैटर है उसमें पूरी तरह से चेंज नहीं हुआ है। 2015 में जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है उसने ये अनाउंस किया था कि जो लड़कियां हैं उनको लाइब्रेरी में इंटर करने नहीं दिया जाएगा। तो हम लोग देख सकते हैं कि वुमेन का जो एडुकेशन है वो शुरू से ही कितना कॉन्ट्रोवर्सियल है और उनको पढ़ने नहीं दिया जाता है। इवन 21st सेंचुरी में आकर भी अभी भी कुछ ऐसी फैमिली है जिनको हम लोग देख सकते हैं, उनको फैमिली में गर्ल्स का हायर एडुकेशन अलाउ नहीं होता है। जैसा कि जो स्टोरी है वो ओडिशा लिटरेचर में रिकॉर्डेड है, मतलब ये ओडिशा की लिटरेचर की कहानी है, और ओडिशा का जो सराउंडिंग है मतलब प्लेस उसी को ये दिखाता है। कॉलोनियल जो ओडिशा है उसमें 19th सेंचुरी का जो है उस व्यू को ये प्रेजेंट करता है स्टोरी रेवती, जहाँ पे हम लोग वेस्टर्न और नॉन वेस्टर्न जो वैल्यू है उसमें कॉन्फ्लिक्ट को देख सकते हैं, मतलब जो कॉन्ट्रोवर्सी है वेस्टर्न और नॉन वेस्टर्न एडुकेशन की उसमें हम लोग जो है एक विवाद को देख सकते हैं इस स्टोरी में, रेवती में। और जो रेवती है वो एक 10 साल की बच्ची है जो कि काफ़ी टैलेंटेड है, प्लस इंटेलिजेंट है, और वो बहुत ज़्यादा जो है एडुकेशन के लिए उत्सुक है, वो क्यूरियस है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं जो पुराने समय हैं वो सोसाइटी ने डिक्लेयर कर दिया था लड़कियों के लिए अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी और लड़कों के लिए अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो अकॉर्डिंग टू द ओडिशा सोसाइटी जो गर्ल्स हैं उन लोगों का सिर्फ काम क्या था, तो कुकिंग करना, सिलाई करना, सिंगिंग करना, भजन करना और रिलीजियस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना, बस यही सब काम था।
और जो रेवती की ग्रैंड मदर है वो भी बिल्कुल इसी टाइप की महिला थी, ट्रेडिशनल टाइप की और कंजर्वेटिव सोसाइटी की, जहाँ पे वो रेवती को चाहती थी कि वो भी बस इन्हीं सब जिम्मेदारियों से घिरे रहे, बल्कि पढ़े लिखे ना। बट जो उसके फादर थे जिनका नाम श्याम बंधु था, वो एक प्रोटागोनिस्ट के फादर वो काफ़ी एक मॉडर्निज्म कैरेक्टर के पर्सन थे और उनके अंदर जो है मॉडर्निज्म एलिमेंट भरा हुआ था और उन्हीं के नेचर की वजह से उनका सोसाइटी से नेचर काफ़ी अलग था। सोसाइटी जो कि कंजर्वेटिव थी, फीमेल को पढ़ने के लिए सपोर्ट नहीं करती थी, बल्कि ये सोसाइटी के अगेंस्ट गए और इन्होंने अपनी जो है बेटी रेवती उसको पढ़ाया और इसको सपोर्ट पढ़ने में भी करते थे। उनका विश्वास था कि जो गर्ल्स हैं उन लोगों के पास अधिकार है शिक्षा को ग्रहण करने की, इसीलिए वो अपने डॉटर के स्टडी के फेवर में थे और वो डिसाइड करते हैं कि अपने डॉटर को जो विलेज में पहला स्कूल खुला था जिसका नाम था विलेज गर्ल्स स्कूल, उसमें उसे भेजते हैं पढ़ने के लिए। बट दूसरी साइड जो उसकी ग्रैंड मदर रहती है रेवती की, यानी कि श्याम बंधु की जो मदर रहती है, वो बिल्कुल भी एग्री नहीं होती है अपने बेटे श्याम बंधु के डिसीजन को कि वो अपनी डॉटर रेवती को स्कूल भेज रहे हैं। वो उसके बिल्कुल अगेंस्ट जाती है, इवन वो उन्हें मना भी करती है श्याम को कि वो रेवती को स्कूल ना भेजें। और उनके बेटे यानी कि श्याम बंधु का जो डिसीजन होता है उसके अगेंस्ट जो उनकी ग्रैंड मदर है वो शार्प रिएक्शन देती है और उन्हें मना करती है कि वो उसे स्टडी के लिए ज़्यादा जो है वो प्रोग्रेस ना करे या फिर उसे ना सपोर्ट करे। लेकिन इन सारी सर्कमस्टांटिस जो है उसके बावजूद भी तो सर्कमस्टांसेस के बावजूद भी क्या होता है, जो रेवती है वो पढ़ने के लिए बहुत वो जो है वो संघर्ष करती है और एट द एंड वो जो है दो पैट्रियार्कल फिगर जिस उसके लाइफ में जो उसके एक पापा रहते हैं और जो उसके पोटेंशियल हस्बैंड रहते हैं या फिर हम लोग उसे टीचर भी कह सकते हैं वासुदेव, उन्हीं दो पैट्रियार्कल फिगर के वजह से जो है वो अपने एडुकेशन को आगे बढ़ाती है और वो पढ़ती भी है। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो जो वुमेन है उनका एडुकेशन इन कंजर्वेटिव सोसाइटी में ना के बराबर था उस टाइम में, जैसे कि मैंने पहले इसकी ओवरऑल स्टोरी आप लोगों को बता दी है। तो जब स्टोरी ओपन होती है तो ये अनदर डायमेंशन की तरफ हमें ले जाती है जहाँ पे हम लोग जो है वो बॉन्ड को देख सकते हैं, एक रेवती प्लस उसके स्कूल टीचर के बॉन्ड को देख सकते हैं। और हम लोग ये भी देख सकते हैं कि जो स्टोरी है वो एट द एंड हमें कहाँ ले जाती है, तो रेवती का जो फादर है उसका डेथ हो जाता है, इवेंचुअली जो गर्ल्स है वो भी एट लास्ट में डिजमाइज हो जाती है, उसकी भी हालत बिल्कुल ख़राब हो जाती है और एट द एंड वो भी मर जाती है। और दूसरी साइड है जो इस स्टोरी का वो क्या डायमेंशन है, तो जो उसकी ग्रैंड मदर है वो उसे काफ़ी जो है वो उसको गालियाँ देती हैं, उसको टॉर्चर करती हैं कि जो कुछ भी उसकी फैमिली में हुआ, जैसे कि उसके फादर की डेथ हुई, मदर की डेथ हुई, उसके टीचर यानी कि उसके हस्बैंड की डेथ हुई, तो ये जो कुछ भी हुआ वो सब जो है वो रेवती के एडुकेशन का ही रिजल्ट था और उसके पढ़ाने की वजह से ही इतनी सारी उसके फैमिली में भी जो है वो संघर्ष का सामना करना पड़ा और जितने सारे भी जो लैंड होल्डर्स थे जमींदार थे वो भी उनके ऊपर टॉर्चर करते थे क्योंकि वो जो पैसा है वो नहीं चुका पाती थी। तो जितनी सारी भी जो कंडीशन थी उनके घर की ख़राब हुई थी वो सारा जो उसकी ग्रैंड मदर है वो रेवती के एडुकेशन को ही बताती है। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जो उसके ग्रैंड मदर है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, तो वो एक जो है ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी को रिप्रेजेंट करती है यानी कि ट्रेडिशनल सोसाइटी को रिप्रेजेंट करती है और कंजर्वेटिव सोसाइटी को रिप्रेजेंट करती है, मतलब वो मॉडर्निज्म से काफ़ी दूर है, वो ट्रेडिशनल जो वैल्यू है प्रिमिटिव प्रैक्टिसेस की ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी की उसी को जो है वो रिप्रेजेंट करती है मेटाफिजिकली। सो इस तरह से जो है हम लोग कह सकते हैं कि जो रेवती है वो एक प्रोटैगोनिस्ट है स्टोरी की और एक आइडेंटिकल फिगर है और जो स्टोरी है वो एक एलिगोरी बन जाती है, मतलब सिंबल बन जाती है फीमेल्स के लिए, उनके एडुकेशन के लिए, उनके जो है लिबरेशन के लिए यानी कि फ्रीडम के लिए। और जो ग्रैंड ओल्ड मदर है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, तो ओल्ड बिलीफ को, पुराने जो विश्वास होते हैं उसको प्लस ट्रेडिशन को वो रिप्रेजेंट करती है, जहाँ पे जो उसके टीचर है या फिर जो उसके हस्बैंड है बासु और रेवती ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये मॉडर्न जनरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हालांकि जो डेथ हुई उसकी तो ये क्या दिखाती है, तो ये रेवती का होप है जो कि तो जो रेवती की उम्मीद है वो बिल्कुल मतलब फॉर्मल एडुकेशन पाने की वो एक धुएं की तरह उसका जो सपना है वो चूर चूर हो जाता है उसके मरने के बाद। एंड इस तरह से वो एक एग्जांपल बन जाती है दूसरे वुमेंस के लिए, दूसरे गर्ल्स के लिए जिनको जो है वो कॉन्टेम्प्रेरी सोसाइटी पनिश करती है पढ़ने के लिए। तो इस तरह से हम लोग ये देख सकते हैं कि ये एक टेल है वुमेन एडुकेशन का एंड इमेंसिपेशन का। सो आई होप आप लोग को जो है आंसर समझ में आ गया होगा। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल और आप लोग को अगर कोई भी का आंसर चाहिए सो प्लीज़ कमेंट मी, मैं उसके जो है आंसर को प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी। एंड थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।